को हनी ट्रैप में फंसाया गया। पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट अब तक 10 लोगों को फंसा चुकी है। जवानों को फंसाने से पहले इन्हें भाषा और रहन-सहन को ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें हिंदू नाम दिए जाते हैं ताकि आसानी से सेना का जवान इनके जाल में फंस जाए। यहां तक कि इन्हें मारवाड़ी और पंजाबी में बातें करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जोधपुर में तैनात गनर प्रदीप कुमार के साथ। प्रदीप फिलहाल 2 दिन के रिमांड पर हैं। रिपोर्ट देखिए। हनी ट्रैप करती हैं पाक एजेंट, कैप्टन रैंक के अफसर देते हैं ट्रेनिंग, मारवाड़ी पंजाबी में करती है बातें। राजस्थान के जोधपुर से हाल ही में सामने आए हनी ट्रैप में बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया कि भारतीय सेना के जवानों और नए अफसरों को फंसाने के लिए पाक सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सिंध हैदराबाद में टंडो झानियों के पास आर्मी कैंट से एक मॉड्यूल ऑपरेट किया। इसे हैदराबाद मॉड्यूल का नाम दिया गया है। इस मॉड्यूल में हैदराबाद की स्थानीय वेश्याओं, गरीब लड़कियों, कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों को हायर किया गया है। उन्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ट्रेनिंग दी जाती है। ये महिलाएं इतनी शातिर होती हैं कि स्थानीय भाषा में बात कर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर दिखाकर खुद को हिंदू साबित कर जवानों को अपने चंगुल में फंसाती हैं, उनसे शादी करने का झांसा देती हैं, फिर न्यूड कॉल कर सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाती हैं, फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का गेम और फिर ब्लैकमेल कर जवानों को देश से गद्दारी करने को मजबूर करती हैं। हिंदू देवी देवताओं की दिखाती है तस्वीर। जोधपुर सैन्य क्षेत्र से 3 दिन पहले ही पकड़े गए गनर प्रदीप कुमार पाकिस्तानी महिला एजेंट रिया के जाल में फंसकर सारी सूचनाएं दे रहा था। भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए पाकिस्तान सेना की इंटेलिजेंस यूनिट 412 सिंध के हैदराबाद से हनी ट्रैप मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इस मॉड्यूल के निशाने पर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के सैन्य ठिकाने में तैनात जवान हैं। इसके लिए पाकिस्तान की महिला एजेंट शादी का झांसा देकर हिंदू देवी देवताओं की फोटो दिखाकर सैन्य कर्मियों को अपने जाल में फंसा रही है। भारतीय सरहद खासकर जैसलमेर में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध की अवधि 6 माह बढ़ा दी है। इससे पहले जैसलमेर कलेक्टर ने 2 माह के लिए रोक लगाई थी। सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश जारी किया है। गृह विभाग की संयुक्त सचिव सीमा कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जैसलमेर से लगने वाली सीमा पर घुसपैठिया और राष्ट्र विरोधी तत्व देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर जिले की सीमा के 3-4 किलोमीटर तक पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क आता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।